सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल पर सीएम के तौर पर कोई काम करने पर रोक लगाते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, वैसे ही केजरीवाल की नैतिकता जाग उठी। ये नैतिकता 177 दिन जेल में रहने और विपक्षी दलों द्वारा लानत मलानत करने के बावजूद नहीं जागी, लेकिन अब जागी तो केजरीवाल त्याग की मूर्ति बन बैठे। सीएम पद त्याग दिया और तमाम तरह की सुविधाओं को त्यागने के साथ शीश महल का भी त्याग करने की बात कह डाली। लेकिन सियासत के सबसे चालू आइटम केजरीवाल ने संजय सिंह और राघव चड्ढा को चुपके से इस काम पर लगा दिया कि वे दोनों उनके लिए नए बंगले का इंतजाम करवाएं। पहले संजय सिंह सामने आए और केजरीवाल की सुरक्षा का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से केजरीवाल के लिए एक बंगले की मांग कर डाली। अब राघव चड्ढा भी पीछे से निकलकर सामने आए और एक तरह से केंद्र सरकार को धमकाते हुए केजरीवाल के लिए एक बंगले की मांग कर डाली। बड़ी बात यह कि केजरीवाल ने अब तक बंगले के लिए कोई आवेदन नहीं किया। लेकिन संजय सिंह और राघव चड्ढा उछल कूद मचाने लगे। राघव चड्ढा ने तो केंद्र सरकार को मुकदमेबाजी की धमकी देते हुए कह डाला कि उम्मीद है कि हमें इसके लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का फैसला किया है और वो अपना सरकारी आवास छोड़ देंगे। मतलब कि अगर सरकार ने बिना आवेदन किए केजरीवाल को तश्तरी में रखकर बंगला आवंटित नहीं किया तो आम आदमी पार्टी कोर्ट का सहारा लेगी। केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने जल्द ही सीएम हाउस के साथ साथ दी गई सुरक्षा को भी छोड़ने की बात कही। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द नया सरकारी आवास दिया जाए। राघव चड्ढा ने दिल्ली के पूर्व सीएम के लिए ये डिमांड रखी। अब ये सवाल भी उठता है कि जब केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो फिर किस नियम के तहत नए बंगले की डिमांड की जा रही है। राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के लिए नए घर की डिमांड चुनाव आयोग के एक नियम का हवाला देते हुए ही की है। कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं। ऐसे में वो केंद्र से इस हैसियत से नया बंगला लेने के हकदार हैं। राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता आज आवास विकास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संबंधित डायरेक्टर को पत्र लिख रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द सरकारी आवास उपलब्ध करवाया जा सके। राघव चड्ढा का कहना है कि आम आदमी पार्टी देश में सबसे तेजी से बढ़ती राजनीतिक पार्टी है। कानून के अनुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी आवास दिया जाना चाहिए। हम सरकार से तो केजरीवाल जी को आवास देने का अनुरोध करते ही हैं और एक सांसद और कार्यकर्ता के तौर पर यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। कानून में इसका प्रावधान किया गया है ताकि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष आगंतुकों से मिल सके। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सीएमपी, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के अध्यक्षों को सरकारी आवास मुहैया करवाया गया है। देश की 6ठी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को भी जल्द से जल्द आवास मुहैया कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये सुविधा नहीं बल्कि साधन है।